नमस्कार, एनडीसी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अर्चना कौशल। एनडीसी न्यूज हर बार आपके लिए लेकर आता है कुछ खास और स्पेशल स्टोरीज। तो दोस्तों, देखना ये रहेगा कि आज एनडीसी न्यूज में आपके लिए क्या है खास। दुनिया में बीमारियों के इलाज के लिए तरह तरह के प्रयोगात्मक तरीके अपनाए जाते हैं। चीन का एक स्पाइक अनोखी तकनीक के लिए इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। यहाँ बीमारियाँ दूर भगाने के लिए आग लगाकर उन्हें अनोखा ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। मरीज के शरीर पर अल्कोहल का छिड़काव कर आग लगा दी जाती है। चीन में कुछ लोग इसे खास तरह का इलाज मानते हैं, जिससे तनाव, अवसाद, बदहजमी और बांझपन से लेकर कैंसर तक का इलाज संभव माना जाता है। झांगफेंगाओ बीजिंग के एक छोटे से अपार्टमेंट में इस अनोखे तरीके से लोगों का इलाज करते हैं। एक वेबसाइट के मुताबिक पहले मरीज की पीठ पर जड़ी बूटियों से बना एक क्लिप लगाया जाता है और फिर उसे एक तौलिए से ढक दिया जाता है। फिर उस पर पानी और अल्कोहल का छिड़काव किया जाता है और मरीज के शरीर में आग लगा दिया जाता है। फेंगाओ बीमारियों का इलाज ऐसे ही करते हैं। इलाज का ये तरीका चीन की प्राचीन मान्यताओं पर आधारित है, जिसके अनुसार शरीर में गर्मी और ठंडक के बीच सामंजस्य बिठाने पर जोर दिया गया है। झांगफेंगाओ के मुताबिक शरीर की ऊपरी सतह को गर्म करके अंदर की ठंडक दूर की जाती है। फायर थेरेपी के नाम से मशहूर ये विधि पिछले 100 से ज्यादा सालों से चीन में इस्तेमाल हो रही है। हालांकि इस बात के कोई प्रमाण नहीं है कि फायर थेरेपी वाकई कारगर है या नहीं।